भाई राम राम, जय श्री श्याम सबने। क्या हाल चाल है सबके? आई होप बढ़िया ही होगे। अपने भाई बढ़िया रह करो, अपने खुश रहो। तो भाई आप सबका स्वागत है फिर से अपने अंकित यादव व्लॉग्स पे। तो आज देख रहे होगे थोड़ा नया सा होके, चश्मे वश्मे भी चेंज कर लिए। गोवा वाले तो खूब गए भाई, वो वाटर पार्क में गए थे ना गुजरात, वहाँ पे रह गए। उसके साथ एक और थे मेरे, वो भी गए, भाई के भी गए, मतलब दो तीन जोड़ी चश्मे पानी में बोया है। तो ये थोड़े नए हैं, ये भी मेरे नहीं है, भाई के बता दो। भाई का भी कमेंट वमेंट करके बोले मेरे। तो भाई अभी नहा धो के अपने रेडी है, ब्रेकफास्ट हो गया था अपना, ठीक है। नहा भी लिए थे, ये कुर्ता सा पहन रखा है कि ये बहन ने गिफ्ट किया था, ये वाराणसी से लेके आई थी महादेव के वहाँ से। तो अभी नहा के रेडी है, अभी जाने का प्लान थोड़ा ऐसा है, जा रहे रेवाड़ी, रेवाड़ी में अपने गाँव, ठीक है। तो यहाँ से जाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, दिल्ली होते हुए दिल्ली से गुड़गावा, गुड़गावा से मानेसर, दारोडा, फिर रेवाड़ी। तो चलते हैं, जाते टाइम कहीं पे बीच में रुकना हुआ तो वहाँ देखते हैं कैसे क्या रहता है, नहीं तो है एक बार भाई के पास जाने का प्लान है थोड़ा, देखते हैं। तो अब पूछोगे रेवाड़ी किस लिए, तो रेवाड़ी का थोड़ा ऐसा, अपने 2000 सब्सक्राइबर हुए थे तो उसका सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था कुछ भी, अकेला ही उस दिन व्लॉग बना के, हाँ भाई धन्यवाद सबका। तो देखते हैं अच्छे से यार, वैसे तो आप लोगों का तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार दिया, मतलब मैं तो जीरो से ही शुरू करके बैठा था ना, तो तुम लोगों ने इतना प्यार दिया तो भाई मैं तो थोड़ा ओवर एक्साइटेड हूँगा ना मैं, तो वही कहानी है। तो अभी जा रहा हूँ मैं वहाँ पे, जाके देखते हैं क्या कुछ इंतजाम करते हैं सेलिब्रेशन के लिए, फिर मिलेंगे आप लोगों से। वैसे यार ये हटाते दिन साल अग निकल गया, वैसे सही है थोड़ा धूप से बचाव के लिए ना। तो अपने बैग में पैक कर लिया, 1-2 दिन के लिए जा रहा हूँ, और बताएंगे कैसे आगे का क्या कुछ प्लान रहता है ना। तो अभी तो फिलहाल यही है, यहाँ से जा रहा हूँ रेवाड़ी, अब रेवाड़ी देखते हैं जाके किस टाइम तक पहुँचते हैं। तो चलो मिलते फिर आप लोगों से, और एक बार फिर से आप लोगों का हाथ जोड़ के धन्यवाद, इतना प्यार दिया, और देते रहो यार, व्यूज वगैरह कम आ रहे हैं, थोड़ा करो सपोर्ट भाई, अपने आपका ही भाई हो यार, ठीक है ना, करो सपोर्ट करो, है ना। चलो हम निकलते हैं यहाँ से, अभी टाइम तो 11 बज गए, हाईवे पे भी जाम वगैरह कम ही मिलेगा, सुबह के टाइम निकलना था मेरे को, वैसे ऑफिस टाइम होता है, पीक आवर होते हैं तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा मिलता है। तो अभी मैं निकलता हूँ, चलो वहाँ गांव जाके फिर मिलते हैं आप लोग, चलो भाई सब में राम राम। जालंधर सीधा यहीं से, और वो NH 48 है, जो NH 8 था पहले वो जयपुर साइड गया। तो अभी पहुंच गए हैं बस, यहाँ से 1.5 किलोमीटर है, चलो
ब्लॉग को दिखाते हैं आगे क्या कुछ चल रहा है, जो सेलिब्रेशन के लिए प्रोग्राम किया है दिखाते हैं आपको। चलो आओ, ये अपना राइट साइड में गांव है पूरा, ये मतलब यहाँ से दिख नहीं रहा, ड्राइव कर रहा हूँ ना तो पहले ड्राइविंग सेफ करनी चाहिए, ये तो इधर रहेगा बाद में। तो ये अपना आ गया, इधर से दिखाता हूँ आपको। चलो, ये हाईवे से अप्रोच अपने गांव की साइड उतार लिया था। ये देखो यहाँ पे अपनी ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है ऐसे बढ़िया, ये है गांव के मजे अपने, कोई पोल्यूशन नहीं यहाँ पे कुछ नहीं। ये देखो दोनों साइड रोड के, और रोड भी एक नंबर का, कोई ऐसे नहीं है। ये साइड में ये खेत है सारे अपने नहीं है। ये देखो यहाँ पे मतलब फसल उसल उगाते उसके बाद तो पूरा ऐसा माहौल हो जाता है, पूरी हरियाली जबरदस्त। ऐसे आप लोगों को दिख रहा होगा पूरी ऐसे ग्रीनरी है। तो अभी चलो गांव में करते हैं एंट्री। ये एक तीव्र मोड़ है जो हाईवे पे आप लोगों ने काफी देखा होगा लिखा रहता है, आगे तीव्र मोड़ है कृपया सावधानी से चलाएं। ये देखो ये अपने भाई, ये नींबू जो महंगे हो रखे ना उनका बाग है। ये देख लो साइड में पूरा ये आ गए थे गांव में। देखो रोड मतलब सब तो रोड, मतलब गांव में हो या स्टेट हो, स्टेट हाईवे हो या डिस्ट्रिक्ट हो, कुछ भी हो, रोड वगैरह आजकल सब कहीं गांव में ऐसे रहता है। दोपहर के टाइम गर्मी में यार वैसे कौन बाहर निकले, पूरा शांत सा पूरा। ये देखो ये अच्छे बाबू जी के चार कांति बंदर से बैठा रखे है भाई। कोई गाड़ी आ गई आगे से, जाम सा लग रहा है। गाड़ी क्या आ गई अपने, भाई कहाँ जा रहे है पूछते एक बार इनसे। ओहो चाचा श्री कहाँ जा रहे हो, हैं कुछ ना ले कल आओगे? अरे कहाँ चढ़ाओगा, ऊपर पीछा ले ले लेना बैग। ये ऊपर भाई चढ़ा के पूरी, हाँ भाई 4x4 है, पीछा ले ले बैग, बैग ले ले बैग। बैग ले लूँगा उधर, वो सिलेंडर रखवा ले। सिलेंडर लेके आ रहे हो तो मैं इसमें रखवा लूँ ना, तो बैग ले ले इसने। तो चलो भाई एक बार काम आ गया, एक छोटा सा घर पहुंचने से पहले ही सिलेंडर रखवा लेते हैं, फिर मिलते हैं। चलो आपसे ये बैक करवा लेते हैं गाड़ी, ये बस फिर से आ गई थी आगे से। तो चलो सिलेंडर रखवाए भाई। ये इधर भी खेत वेत पूरा, ये मतलब गांव का आउटर है, आउटर रिंग रोड। तो अभी चलते हैं घर, दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है माहौल। गाँव का टूर एक दिन वैसे करवाएंगे ढंग से किसी एक स्पेशल व्लॉग में ना, अभी तो थोड़ा ऐसा ही काम वाम ना, और गर्मी इतनी है कि निकला ना जाए। तो चलो दिखाते हैं आपको रास्ते वास्ते, देख लो भाई पूरे साफ सुथरे इतने बढ़िया है। ये देख लो गांव का स्विमिंग पूल पूरा ग्रीन बिल्कुल, और ये मंदिर अपना बैक करनी पड़ेगी भाई गाड़ी। ये भाई यहाँ से ही अपने प्लॉट है लेफ्ट साइड में, शेड सोर लगा रखी मैंने। तो चलो वैसे दिखा देंगे और बाद में। ये अपनी प्राइवेट अपनी पर्सनल गाड़ी है, ये अपने घर है दोनों साइड। चले चाचा था वो उतर गांव में, तो वही है सारे। तो इनका तो एक बढ़िया टूर करवा देंगे आप सबको, सबसे मिलाएंगे एक बार, थोड़ी करो आप सपोर्ट। ये भाई गाड़ी खड़ी गया चाचा श्री, ऐसा लगा देते बीच में, हैवी ड्राइवर है भाई, निकाल लेंगे हम तो। ये बेटे पूरा मतलब दोपहर का टाइम है, शांत बिल्कुल, कोई जैसे कुत्ता कुत्ता दिख रहा है बस। चलो पहुंच गए, दिखाते हैं अंदर जाके। ये आ गए अपने घर के, ये अपना भाई ट्रैक्टर खड़ा है। तो भाई आ गए थे आते ही, अपने भूख लग रही थी, ये साल भाई ने बना रखी थी सब्जी, ये पूरी हो गई पूरी। अरे गर्म है भाई ऐसे मत, देखिए अपनी लस्सी, और ये कल का सामान उमान रखा है। ये 2000 सब्सक्राइबर की पार्टी हो रही है बढ़िया तरीके से, ठीक है। मां सो रही है, मां तेरा राम राम कर दियो भाई सारे। भाई यू बोल दे लाइक सब्सक्राइब कमेंट, कोई ना मां तो बुलवाऊंगे राम, मां राम राम कर ले तो राम राम लो भाई, सबका आशीर्वाद दे दिया मां ने।
ठीक है चलो खाना खाते उसके बाद दिखाते क्या कुछ चल रहा है। शिफ्ट कर लियो। शिफ्ट हो गया। कुत्ता है? कितना है? उसने किस लिए बनाया ना चिड़ावा नाम क्यों है इनका? अच्छा अच्छा मोटी बूंदी होगी और एक कलर है इसलिए चिड़ावा का बोला जावे। ग्लूकोज ये गर्मी में गैस घूस तो ना बना देगा हैं? गर्मी में गैस घूस तो ना बना देगा। चिड़ावा नारनोल में जाके वैक के ऊपर बनाया वैसे ही। तो भाई वहां का तो वहीं का ही है। अच्छा तू आ इधर बतंग खान टाक दे। तो भाई ये अपने चिड़ावा के लड्डू बन रहे हैं ये टाक दे। इसमें क्या इलायची किस में डालोगे? ये लड्डू ये तो बना दिए अब कैसे डालोगे? अच्छा बर्फी में बावड़ा हो गया सुन के। तो भाई अपना लड्डू वड्डू बन गए ये देखो बढ़िया तरीके हैं? मुड्डी ने कहे मुड्डी चिल्ला ज्यादा लो तुम काम मत करो भाई ये अपने बालू शाही तैयार हो चुकी है। अरे भाई अपने लड्डू है बल्ब जला दे यार और बड़ा बल्ब जला अंधेरा हो रहा है। ये भाई यहाँ अपने वो लड्डू चिड़ा वाले लड्डू है अशोक का भाई है के? या वो दूसरा ताऊ है उसका शकल मिले यार। ये भाई अपने भाई गर्मी में लग रहे मेहनत पूरा जोर है अपने जोत बत्ती होगी है। इस आदमी का ना बेरा एक बार सीधा खड़ा हुई यो पेट देखो एक बार इसने एक कुंटल लड्डू तो खा लिए। हमारा काका श्री है यो तो एक बार ऊपर पंखा उंखा लगाने का जुगाड़ देखे बालूशाही में भी कलर ना आया इसने चाशनी में करेंगे या तो रात ने निकल दिखावो उस हिसाब से। मौसम बढ़िया हो रहा है अपने बाहर ये अपना ही घर है भाई ये गाँव में तो चलो देखते आगे का जो फिर मिलते आप लोगों से। इसकी पंखड़ी निकल रखी है को तो पापा यो मेरे सब चाचा लाला को किसको है यो? अरे तो इसने रहने दे ऊपर वाला लगा दे मुड्डा ले चढ़ भाई पंखों की डर दियो पंखों तो पूछ ले पंखा मैंने ना पता पूरा वो सामान डर के कर दो पंखों ये रख रखियो नया वाला यो वाला तो इसने ही लगा दे नया वाला क्या करेगा? अरे यो बैटरी में लगा भाई बहुत कंजूस आदमी कल लाया नया था और लगाने के लिए यहाँ पे अरे नया लगो लिया पुराना तार के लगा होगा। अरे बता तो दे रहे हो किधर चलो भाई देखते हैं फिर मिलते आपसे। तो भाई वो अपने जैसा कि बता रहे थे गांव आने का गांव आ गए थे थोड़ा बहुत अपना फंक्शन सा है अपना कल का वैसे यार मजा लेने लग रहे थे। ये सब्सक्राइबर है उसका थोड़ा वो जैसे कल का मंगलवार है अपने भाई ताऊ जी है पापा के बड़े भाई वो अपने हरियाणा पुलिस से रिटायर आ रहे हैं तो वही थोड़ी गेट टुगेदर अपने फैमिली वैमिली तो अभी देखते हैं कल का कैसे क्या रहता है और राम राम तो देखते हैं अभी इस लोग को तो यहीं पे करते हैं समाप्त फिर मिलते हैं आप लोगों से कल। हलवाई वगैरह बैठा रखे थे लड्डू वगैरह बना दिए है ना तो चलो मिलते इसी के साथ आपसे फिर। ये देखो पीछे है अपने ये मंदिर अपने गांव का और ये दिखा रहे थे इधर यहाँ भाई लाइट वाइट थोड़ी ऐसी आ रही है आजकल हिसाब किताब खराब हो रहा है मुड़ मुड़ के देखने लग रहे हैं गांव में है इतने बड़े वाल डाडी कर लिए वो वाला सिस्टम हो रखा है। तो चलो फिर इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म करना लाइक कमेंट सब्सक्राइब। चलो फिर आपसे मिलते हैं कल नई शुरुआत के साथ नई दिन के साथ क्या होता है कल का। चलो भाई सबने राम राम।